कई बार खबरों में सुनने को मिलता है कि बच्चा पैदा होते ही बच्ची को लावारिस छोड़कर माता पिता निकल जाते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है, जहां निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लगभग 8 महीने की बच्ची को उसके माता पिता लावारिस छोड़कर चले गए। उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि अपने माता पिता के साथ उसका यह अंतिम सफर होने वाला है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दुर्ग से चलकर जब ट्रेन पहुंची तो एक समीप फरजाना नाम की महिला को एक कोच में बच्ची को रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो बच्ची के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाने के SHO अजय शर्मा, इंस्पेक्टर राजीव कुमार और महिला कांस्टेबल मौसम की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची के माता पिता की तलाश करने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिया। हालांकि CCTV पर्याप्त मात्रा में न होने से अभी तक बच्ची के माता पिता का पता नहीं चल पाया है। दुर्ग निजामुद्दीन करके ट्रेन है, उससे बिलासपुर से चढ़े हम। 72 हमारा बर्थ था S4 में और हम निजामुद्दीन स्टेशन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे। यहाँ पे किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने अपने बच्चे को छोड़ के चले गया, जो 78 नंबर की बर्थ थी, दरवाजे से लगी हुई। हम अपने जब सामान उतार रहे थे तभी अज्ञात बच्चे को देखे और यहाँ पुलिस को सुपुर्द किए GRP को।